हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? क्या हेलो तो गाइस, आप सबका वेट ख़त्म होने वाला है। yes. हो ही गया। आप सबके डिमांड पर मैंने ब्लॉग अब शूट कर रही हूँ। मतलब क्वेश्चन आंसर, आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैं पागल हो गई देख देख के। इतने सारे क्वेश्चन थे, मैं सच्ची में, मेरे को इतने घंटे लग गए इसमें देखने में, क्वेश्चन छाटने में। ये मान लो अगर 1000 क्वेश्चन थे ना, 1000 में से 900 क्वेश्चन सिर्फ लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी। मैं पागल हो गई देखते देखते लव स्टोरी को। तो गाइज, आप सबका वेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, आप सबके सवालों का जवाब देते हैं। कुछ बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि लव स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे लोग, तो लव स्टोरी कभी हम आराम से तसल्ली से बताएंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। जल्दी बता देंगे, मतलब आपको एक दो ब्लॉग के बाद लव स्टोरी दिख जाएगी। मतलब जल्दी या टाइम करने, ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं कराएंगे। तो स्टोरी बताती मैं आपको, कब बताएंगे, आपके सवालों का जवाब देना ही है। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, रुक जाओ। तो ये जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, शादी लव अरेंज, ये एक का मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि यही क्वेश्चन ना बहुत लोगों ने पूछा था। तो एक का नाम लेके हम और लोगों को क्यों करें? तो ये बहुत ही क्वेश्चन था। सबसे पहले तो यही कि आपकी लव है या अरेंज, तो आप बता दो। हमारी लव अरेंज मैरिज है। हमारी लव इज अरेंज, दोनों है। मतलब लव के साथ अरेंज कर दी आप? बहुत ना, हमारी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको बताएंगे हम सारी चीज़ें। बट अभी फिलहाल के लिए हाँ, हमारी जो शादी है वो लव मैरिज थी, बट हमने लव को अरेंज करा है। और दूसरा क्वेश्चन है, लव स्टोरी कब बताओगे? वही बहुत लोगों का क्वेश्चन है। लव स्टोरी बताएंगे जल्दी, आपको मिलेगी देखने को भी सुनने को भी लव स्टोरी, तो थोड़ा वेट करो, ठीक है? बहुत जल्दी बताऊंगी, क्योंकि इस ब्लॉग में तो मैं लव स्टोरी नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें आपके सवाल इतने सारे, तो मुझे बस अभी जवाब देना है। बाकी लव स्टोरी का यही है कि मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, आपका वेट बहुत जल्दी, आपका मतलब जो टाइम वेट करने का टाइम है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आरती चौहान का, शिवानी दी आपकी शादी अभी हुई है, आपको कैसा लग रहा है न्यू फैमिली में आकर? और दी आपकी सास मतलब मौसी जी बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह आप हमेशा खुश रहो, आई लव यू दी। हाँ, तो खुश मैं बहुत ज़्यादा हूँ, आपको मेरे ब्लॉग्स देख के, मुझे देख के लगता नहीं है। कैसे बता, जो लव मैरिज होएगी, अरेंज में एक बार को डाउट रहता है, लेकिन लव मैरिज में तो जाते हैं सब खुश ही रहते हैं। और अगर मैं फैमिली की तरफ से बात करूँ, तो मेरी आपको फैमिली भी दिखती है ब्लॉग में कैसी है, बहुत ही अच्छी फैमिली है। मैं तो मेरी सोचती नींबू मिर्च लेकर सबकी नज़र उतार दूँ, नज़र न लग जाए मेरी फैमिली को, बहुत अच्छी है, मेरा बहुत मन लगता है बहुत ज़्यादा। I love you too. और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोटी सी दुनिया, ये आइडिया इनका है, आपके ससुराल में टोटल कितने मेंबर हैं? गाइज, मेरे ससुराल में, ये भी आप सब लोग बहुत कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जब ब्लॉग बनाती हूँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता, मैं सबको देवर बोलती हूँ, सबको नंद बोलती हूँ। गाइज, वैसे हमारे जो फैमिली, वैसे पूरी फैमिली है हमारी, लेकिन जैसे मेंबर बोल रहे हैं फैमिली में, बताओ कितने हैं? देखो, मेंबर की बात ऐसी है, अगर एक फैमिली की बात करें तो फैमिली में 5 मेंबर हैं, 3 भाई हैं और मम्मी पापा हैं। लेकिन तीन भाई में कौन कौन? एक आप, मैं, अक्षय, अभिषेक और मम्मी पापा हम हैं। लेकिन अगर बात करें फैमिली की, तो फैमिली में हम जो काजल है, तन्नू है, जतिन, प्रेम, सबको हम मतलब भाई बहन ही मानते हैं, मामा जी के बच्चे हैं सारे वो, तो पर हैं मामा के, पर हम ऐसे मतलब ऐसे मानते नहीं कि वो मामा के बच्चे हैं, फैमिली। तो हम मतलब मानते नहीं है कि जब मामा के बच्चे हैं, हम अपने भाई बहन ही हैं, मतलब हम साथ में मिलकर ऐसे रहते हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम मतलब कजन्स हैं। हम ऐसा लगता है कि सच्चे में हम सगे भाई बहन हैं। और दो और हैं पास में, वो भी मामा के हैं, लेकिन हम सब सारे ऐसे रहते हैं एक साथ कि कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि हम कजन्स हैं, हम सारे ऐसे लगता है सब। वैसे मेरे मतलब हमारे फैमिली में ये 5 थे, मेरे को आके 6 हो गए, ये और दो और हैं, वो अक्षय और पीछे बता दिए इन्होंने, और मम्मी पापा जी और एक मैं, अब 6 हो गए पूरी फैमिली, और बाकी है सारी फैमिली। और आप पूछते हो कालदी तन्नुती, वो नंद है मेरी, लेकिन वही है ना, मामा जी के बच्चे हैं, मामा के हैं, पर मतलब सगी नंद जैसी है, क्योंकि हमारे वो ही हैं, दिखते नहीं है, मतलब है तो बहुत सारे नंद, लेकिन जो ज्यादातर
रहती है साथ में वो, क्योंकि लोग ज्यादा कालदी तनुदी को देखते तो उन्हीं को पूछते हैं, तो है तो वो और भी, बट मतलब उनका ऐसा हो जाता थोड़ा सगा वाला हिसाब हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारे साथ रहे बचपन से ही, मतलब हमारे पास ही रहे, हमारे साथ ही रहे, हम भी उनके साथ ज्यादा मिलते जुलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो गाइस आप सबका क्लियर हो चुका होगा जहाँ तक है, और बाकी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहा का, आपकी लव मैरिज हुई है तो सेम कास्ट में हुई है या फिर इंटरकास्ट में, इंटरकास्ट मैरिज है? गाइस इसका सबका ना आपको आंसर लव स्टोरी में मिल जाएगा सारी चीज़ों का, क्योंकि लव स्टोरी में मैं हम दोनों शुरू सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे मतलब इंटरकास्ट मैरिज थी या फिर कैसे सारी चीज़ें थी, हम आपको वाले सारे लव स्टोरी वाले ब्लॉग में बता देंगे, ठीक है? अभी तो इसको हमको भी कुछ अभी कुछ बोल नहीं सकते, बट इंटरकास्ट मैरिज थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि किशोर कश्यप का, आपका मायका और ससुराल कहाँ है? तो गाइज जो मायका है वो है दिल्ली में और जो ससुराल है वो है यूपी में। हाँ मैं रहती दिल्ली में थी और अपने ससुराल है यूपी में, मतलब दिल्ली में कहाँ मंडोली, दिल्ली में मंडोली हर्ष विहार। हाँ। और यूपी में लोनी गाजियाबाद। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारती वर्मा का, नंदनी खुशी आपके सास ससुर को मौसी मौसा जी क्यों कहते हैं? मौसी लिख रही, मामी लिख गया, मौसा जी हमारे इधर मौसी मौसा जी ही बोलते हैं, जैसे कि मेरे मम्मी जी को मौसा जी ही बोलेंगे ना। हाँ। और बाकी हमें पता नहीं लेकिन हमारे इधर सबको ऐसे ही बोलते हैं, मतलब जिनकी शादी जाती है तो हम उनके सास ससुर को मौसी मौसा जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैन्सी कौशिक का, दी नंदनी खुशी व्लॉग कब बनाएंगे घर के? तो गाइज अभी ना थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो इस वजह से ना अभी बना नहीं पा रही, बहुत जल्दी ही बनाएंगी, आप सबको वहाँ के भी व्लॉग देखने को मिलेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि गोपू व्लॉग्स, दी आपके मायके के से ससुराल जाती हो तो आपको ससुराल में मन लग जाता है, मतलब मायके से ससुराल जाती हो तो आपका ससुराल में मन लग जाता है? तो गाइज मेरा जब मैं वहाँ जाती हूँ होता ही सबके साथ होता है, क्योंकि इस टाइम लड़की को दो मन हो रहे होते हैं, जैसे किसी शादी हो गई वो उन्हें पता हो, दो मन होते हैं, यहाँ रहती तो वहाँ की याद आती है, वहाँ रहती तो यहाँ की याद आती है, तो ऐसे ही होता है, जब वहाँ रहते हैं ना तो यहाँ की याद आती है, यहाँ रहकर वहाँ की याद आती है, जब आती हूँ ना वहाँ से तो बहुत मन टूटता है। झूठ बोल रही है, वहाँ की याद तो हम आने नहीं देते, बस वो है कि बोलने वाली बात है, बोलना तो पड़ेगा ताकि मायके वालों को बुरा लग जाए, बोलना तो पड़ेगा कि जी वहाँ की याद आती है। जब वहाँ से आती हूँ तो मतलब बहुत कच्चा दिन रहता है, मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ ना, कसम खा के बताओ के और जब ये मैं यहाँ आ जाती हूँ उसके बाद गाइस मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ या मुझे याद आ रही है। हाँ कभी कभी बहनों की या मम्मी सब की याद आती है, बट ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मतलब आती है बट वो वाली चीज़ नहीं है, मन लगता है मेरा बहुत, क्योंकि यहाँ पर मुझे अकेला नहीं छोड़ता, देख लो मेरी बात पूरी नहीं होने देते। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है शालिनी का, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्यूटीफुल कपल एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आप पढ़ लेना क्वेश्चन, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी रियल नंद नहीं है क्या? सेकंड क्वेश्चन आपके कितने साल का रिलेशन है? थर्ड क्वेश्चन दी आप प्लीज एक बार मेरे नाम अपने व्लॉग में ले लेना सीधे से, शादी से पहले ही ये मैसेज करा दी आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपकी रियल नंद है नहीं है क्या? नाम क्या वैसे? शालिनी गम पता नहीं अजीब से नाम है, तो ऊपर का मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ लिया है, व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप ये मत सोच रहे मैंने ऊपर का पढ़ा नहीं, पढ़ लिया था, लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, तो मैंने आपका नाम ले लिया है, थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना प्यार करते हो कि मेरे मुँह से अपना नाम सुनने के लिए मतलब इतनी रिक्वेस्ट करते हो, लव यू। और पहला क्वेश्चन है आपका कि मेरी रियल नंद है, गाइस जो भी है ना मेरे लिए रियल ही है वो, लेकिन अगर आप वैसे आपके लिए पूछूं तो मतलब नहीं है, तीन भाई हैं लेकिन अभी मेरे लिए जो है सब वही हैं, तो मेरे लिए अभी जो है काल दी तनु दी हैं, और मतलब वो सगी है, ये क्या क्या मतलब सगी क्या होता है? और आपका कितने साल का रिलेशन है? तो गाइस हमारा रिलेशन है ये ना, अच्छा ये रिलेशन वाला लव स्टोरी में जो हम बताएंगे उस टाइम साक्षी बताएंगे, ठीक है? और तो नाम तो ले दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक जी, शादी से आप खुश हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? मेरे चेहरे से लग रहा है मैं कहीं मतलब परेशानी है मुझे इतनी सी भी नहीं है, और हम परेशानी होने भी नहीं देंगे।
नेक्स्ट है पिकाचू का, आपने खाने में मीठा क्या बनाया पहले रसोई में? खीर। मेरा ना नीचे व्लॉग भी अगर आपने नहीं देखा, शायद आपको इसलिए नहीं पता, मैंने व्लॉग बनाया था अपनी पहली रसोई का, तो आप उसमें देख लेना। वैसे मैंने मीठा खीर बनाया था, बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटी आर्टिस्ट का, आप सेलिब्रिटी कैसे बने और फॉलोवर्स कैसे बढ़ाए? गाइज मैंने फॉलोअर्स बढ़ाए नहीं है, आप लोग सपोर्ट, फॉलोअर्स कमाए हैं गाइज। हाँ, मैंने आप लोगों का प्यार कमाया है, ठीक है। और सेलिब्रिटी मैं नहीं हूँ कुछ भी, आपसे ही हूँ। अगर आप मानोगे तभी तो मैं कुछ हूँ, अगर नहीं मानेंगे तो क्या है। आप लोगों के प्यार से मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे भी नहीं पता मैं सेलिब्रिटी बन गई तो ऐसी है ना भाई, बनने के बाद पता भी चलता ना, बन तो गई ना। बस आप सब लोगों का प्यार चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए गाइज, ऐसे ही प्यार करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है रूही शेख गढ़ का, आप अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग बनाया करो ज्यादा। बोलो तो बनाया करो। आप नहीं बनाते? मैं क्या नहीं बनाता? बनाते हैं आप? मैं व्लॉग क्या बनाऊं बताओ, तुम्हारे व्लॉग में माता मैं ना गाइस, मेरे व्लॉग के पे आप इतने कमेंट करते हो प्रैंक कर लो प्रैंक कर लो, ये मैं इनसे कहती हूँ कि आप अपने व्लॉग पे प्रैंक बना लो। गाइस प्रैंक का माहौल नहीं बन पा रहा, जैसे प्रैंक का माहौल बनेगा ना तो सबसे पहले मैं ही प्रैंक करूंगा और मैं ही प्रैंक की वीडियो डालूंगा। और बाकी मैं व्लॉगिंग से बनाती हूँ, बस थोड़े से ना बिजी रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन सोलंकी का, दी अब आपकी वीडियो आपके सिस्टर के बिना ही आएगी, क्या उनकी दूसरी आईडी है क्या? गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सिस्टर के बिना मतलब आएंगी वीडियोस, हम साथ में वीडियोस बनाए करेंगे, बट ये अब ये वाली चीज़ नहीं कि रोज साथ साथ में रहना, ये वाली चीज़ नहीं है। बट वीडियो ऐसी नहीं कि उनके साथ मेरी वीडियो नहीं आएगी, आएंगी, आपको उनके साथ वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा का, दी आप अमन जीजू से कितना प्यार करती हो शादी के बाद? गाइस लव मैरिज में शादी से पहले भी प्यार करती थी और अब तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, पहले भी करती थी अभी भी करती हूँ। अब मेरा क्वेश्चन आप कितना करते हो? आरती वर्मा का के बेबी प्लान कब का है, नाम जरा बताना मेरा। आरती वर्मा नाम है तुम्हारा और ये चीज थोड़ी पर्सनल है, तो ये चीज अब मम्मी अभी ना बता सकते ना रिवील कर सकते, तो ये थोड़ा और गाइस जब भी होगा तो आप सबको पता चल ही जाएगा, ये छुपने वाली बात तो है नहीं। यस ओके लास्ट ईयर। तो जहाँ तक आप सबके क्वेश्चनों के आंसर मैंने दे दिए होंगे, और जिनके रह गए हैं गाइस मैंने सबके, तो मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन रह गए होंगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे, मेरा खुद सर घूम गया था देखते देखते। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, बट सॉरी कि मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाई, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि सबके मतलब जो रह गए उनके रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो टोटल कितने आए होंगे? बहुत ही आए थे, मैं गिन भी नहीं पाऊँगी इतने थे। इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे और उस पर सब पे, यूट्यूब पे 250 पर कॉमेंट थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा आए थे, तो इसलिए इस वजह से थोड़ा समझना आप भी इनके रह गए हैं, सॉरी। और बाकी आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और गाइज ये बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा दिखावा नहीं करते। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मतलब ये रूड है, आप प्यार नहीं करते, ये वो ऐसा बोलते हैं, पता आपको, आप सब बोलते हैं आपको कि यूँ कहते हैं कि मेरा तो दिखता है आपका नहीं दिखता प्यार, और मतलब आप रूड हो। गाइज देखो हर कोई इंसान ना एक जैसा नहीं होता, कोई इंसान ऐसा होता है कि जो करता है पर वो जताता नहीं है, और किसी का दिख जाता है, तो मैं उनमें से हूँ जो मैं पर करता हूँ पर मेरा दिखता नहीं है क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है। और गाइस मैं जानती हूँ, मेरे को हमारे रिलेशन को बहुत टाइम हो गया, मैं वो लव स्टोरी में सारी चीज़ बताऊँगी, क्योंकि कमेंट थी पता है एक नहीं बहुत दो तीन थी कि मतलब शिवान तो दिखाती है लेकिन इनकी आपकी तरफ से नहीं रखता ये वो, तो गाइस इनका नेचर ही थोड़ा सा ऐसा है, बट मुझे पता है, ठीक है, नेचर नेचर की बात होती है ना। हाँ, और बाकी जब मैं, और पता क्या है जैसे कि अभी आप अगर प्यार नहीं होता तो शादी नहीं होती। हाँ, और, पहली बात से पहली चीज़ और एक ये कि देखो अभी बैठे हैं, इन्हें पता सामने व्लॉग बना रहे तो मैं बहुत सीरियस बैठे हैं ये ना, और अगर मैं यही व्लॉग चुपचाप बनाऊंगी ना तब आप उस टाइम देखना, उस टाइम आप कह सकते हैं ये मतलब इतने फनी है ना, इतने कोई इंसान के साथ पास रह के बोर नहीं हो सकता। अगर अगर व्लॉग बाई चांस मुझे पता नहीं कि व्लॉग बन रहा है तो शायद दिख जाए, लेकिन जब मेरे सामने कैमरा आता है ना तो मैं थोड़ा मतलब सीरियस हो जाता हूँ। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ये तो बहुत अच्छे हैं गाइस ये, और इन्हें के इस ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू।
तो चलो अब इस व्लॉग को यहीं पकड़ते हैं एंड टाटा बाय बाय लव यू गाइस। थैंक यू। क्या कर रहे हो तो तारीफ नहीं करी तुमने चलो बाय बाय कर दो। थैंक यू। अरे